इट्स सेशन टाइम बंदो गाइस, माय नेम इज पूनम तनन, यो वाचिंग द सेल खबर। आज हम बात करने वाले हैं हेल इन सेल के बारे में, जहां पर WWE ने एक टाइटल मैच को अनाउंस कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में डोमिनिक एंड्रे मिस्टीरियो अपने टाइटल को जे उसो और जिमी उसो के खिलाफ डिफेंड करते हैं। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो जिमी उसो को पिन करके द उसोज को हरा देते हैं और अपने टाइटल रिटेन कर लेते हैं। लेकिन इस मैच में रेफरी से गलती हो जाती है, क्योंकि इस मैच में जिमी उसो का शोल्डर ऊपर होता है। फिर भी रेफरी काउंट करके डोमिनिक ने मिस्टीरियो को जिता देते हैं। इसके बाद द उसोज एडम पियर्स के पास जाते हैं और एडम पियर्स एक बार फिर सेम नाइट के मेन इवेंट के लिए जे उसो जिमी उसो वर्सेस डोमिनिक रे मिस्टीरियो के टाइटल मैच को अनाउंस करती है। लेकिन इस बार रोमन ने जाकर डोमिनिक और रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं और मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस हफ्ते हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में रे मिस्टीरियो रोमन ने से एक बार फिर टाइटल मैच की मांग करते हैं और रोमन एज पर अटैक कर देते हैं। WWE ने हेल इन ए सेल के लिए रोमन एज वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, यानी कि रोमन एज अपने टाइटल को रे मिस्टीरियो के खिलाफ WWE हेल इन ए सेल में एक हेल इन ए सेल मैच में टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। गाइज, आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाई।